नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको उपमा बनाना बता रही हूँ, जो कि हम सुबह के नाश्ते, जो कि कम तेल घी के होने चाहिए, उस ब्रेकफास्ट के लिए हम किस तरह से उपमा बनाते हैं। उपमा बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए। मैंने 100 ग्राम यानी एक कप सूजी ली है, और इसको छौंकने के लिए 2 टेबल स्पून तेल, और इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो राई और हींग को हम छौंक में डालेंगे, और नमक और काली मिर्च, ये इसके मसाले हो जाएंगे। और बाकी जो इसमें सब्जी हम डालेंगे वो है एक आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची और छौंक में करी लीव्स। तो सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेते हैं और उसके बाद में इसको छौंक लगाएंगे। इस तरह से ये आलू, प्याज, टमाटर और मिर्ची, इनको हमने काट लिया। और अब हम तेल को कढ़ाई में डालेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तड़का। तेल गर्म होने के बाद में हम राई और हींग डाल देंगे। राई और हींग डालने के बाद में हम करी पत्ता डाल देंगे, और करी पत्ता डालते ही हम आलू डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकेंगे। 2.5-3 मिनट में आप देखें कि ये बहुत ही अच्छा ब्राउन हो गया है, और हमें चूंकि इसको बाद में पकाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऐसे देख लेंगे कि ये बहुत सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल खाने जितना पक चुका है। तब हम इसमें प्याज डालेंगे, और प्याज को हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा पिंक होने तक पकाएंगे। और एक तरफ हम पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। जितनी हमारी सूजी है उसका मैंने एक बार तो ट्रिपल पानी रखा है, क्योंकि कई बार तो 2.5 गुना पानी में ही पूरा उपमा बन जाता है, और कई बार पूरा 3 गुना तक भी लग जाता है। तो एक बार 3 गुना पानी हम गर्म कर लेंगे। 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट में थोड़ा थोड़ा सा प्याज भून गया। अब हम जो हरी मिर्ची हमने काट रखी है वो डाल देंगे, और 1/2 मिनट के करीब इसको हम भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डाल के 1/2 मिनट हम इसको वापस से भून लेंगे। आधा मिनट बाद हम जो सूजी है उसको डाल के, और 1/2 मिनट वापस से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है, उबल रहा है, तो गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हम इसको सूजी को सिकते ही हमको पानी डालना है इसमें, तो 1/2 मिनट में भून। 1/2 मिनट बाद हम नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, और इसको 1 सेकंड के लिए चलाएंगे। और साथ ही साथ ही हमको इसमें जो हमने ये गर्म पानी किया था वो हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे, थोड़ा उछलता है ये इसलिए, तो एक बार थोड़ा सा मैंने पानी रख लिया है, अगर नहीं चाहिएगा तो नहीं डालेंगे। और वैसे एक कटोरी जो सूजी होती है उसमें 3 गुना पानी आराम से चला जाता है, और जितनी सूजी थी उससे मैंने 3 गुना पानी ही गर्म कर रखा है, तो इसमें लग रहा है कि हमको पानी और चाहिए। हम ये पूरा ही पानी डाल देते हैं। एक मिनट में ही इसका पूरा पानी चला गया, और अब ये बिल्कुल खाने जैसा है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब हम इसको सर्व करके और धनिया और मिर्ची वगैरह डाल के और खा सकते। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और अब हम इसको
सर्व कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो उपमा है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से ये उपमा कंप्लीट होता है और आप देखेंगे कि बहुत ही ये न्यूट्रिशियस और बहुत ही जल्दी बनने वाला जो सुबह के नाश्ते होते हैं ब्रेकफास्ट, उसके लिए उपमा बहुत ही अच्छी चीज़, इजी डाइजेशन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी सब्जी हमारे पेट में चली जाती है।